नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा की रसोई में। नवरात्रा चल रहे हैं, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन की चने और आलू की सूखी सब्जी। सब्जी को हमने एकदम सूखा नहीं रखा है, इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखें, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए हमें चाहिए जीरा, लाल मिर्च, एक लौंग और दालचीनी, हल्दी, धनिया मिर्च का पाउडर, सब्जी का मसाला, एक कटोरी चने, 5 से 6 आलू, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। गैस को हम चालू करके उस पर कुकर को रखे देते हैं। 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल के तेल को गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। गरम मसाला जीरा चटक जाएगा तब हम पिसे हुए पेस्ट को हम इसमें डाल के चलाते हुए भूनेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। जैसे ही मसाला हमारा ये तेल छोड़ देगा तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों को हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। पानी डालने से मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो देखिए मसाला हमारा भुन गया है। इसी समय हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक, इसे हम मिला देंगे। इसके बाद हम डालेंगे काले चने। चनों को हमने रात में भिगो लिया था, पूरी रात भीगे रहे, चने कच्चे ही हैं, इन्हें हमने उबाला नहीं। साथ ही हम डाल देंगे आलूओं को। आलू ना है तो छोटे हैं ना ही बड़े हैं, ठीक ठीक साइज है आलूओं का। चने कच्चे हैं, अगर हम आलू के पीस छोटे रखेंगे तो आलू हमारे घुल जाएंगे। नमक को स्वाद के अनुसार डाल के थोड़ा पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हम रख के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। ये देखिए अब हम इसे पकाने के लिए 1.5 कटोरी के करीब पानी डालेंगे। चने कच्चे हैं इसलिए हमने 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। 3 सीटी आने तक उबालेंगे और अपने आप प्रेशर निकल जाए तभी हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए हमारे कुकर का प्रेशर निकल गया है, अब हम कुकर खोलते हैं। सब्जी थोड़ी सी पतली लग रही है लेकिन ये रखी रखी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। हरा धनिया और हरी मिर्च से हम इसे गार्निश करके सर्व करेंगे। नमस्कार।